मुझ में कुछ कमी है ना? नहीं तुझ में कुछ कमी नहीं, यू आर परफेक्ट। बस बस क्या, बस थोड़ा सा पतला हो जा, 30 किलो कुछ पतला हो जा, हाइट बढ़ा ले 1-2 फीट, नील नितिन मुकेश से ज्यादा गोरा हो जा, 3-4 प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। अभी करा 3-4 प्लास्टिक सर्जरी तू? आई जस्ट रियलाइज दैट आई क्रॉस्ड 2 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। 2 लाख फॉलोअर्स नहीं, I would say 2 lakh people who are in my social family. By God, सबसे चूतिया दिन है वेंच। चुलावड़ा लसन मेरा। घंटा वेंच। तुम्हारी माँ की आँखें। मैं क्या गटर में पैदा हुआ था वेंच? मैं क्या छाती पे बटर चिकन की ग्रेवी रगड़ता हूँ? आज ना मेरा बर्थडे है तो मुझे एक रिंग चाहिए। तेरे को बस रिंग चाहिए? हाँ। अभी रिंग देता हूँ, उठाइयो मत, बैलेंस कम है। जा। घंटा वेंच। लवड़ा लसन मेरा, तोतले की तरह बोलना जरूरी है वेंच। भाई अब ये बीट पे बूटी चैलेंज क्या है? क्या इस देश में क्या चैलेंज ही चल रहे हैं? हाँ पीवी सिंधु और साक्षी मलिक तो बस मेडल जीतने गए, असली खेल असली चैलेंज तो भाई फेसबुक पे चल रहे हैं। बीट पे बूटी चैलेंज, आइस बकेट चैलेंज, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर चैलेंज, अब अगला क्या है, संडास चैलेंज। हाँ संडास में जाओगे, हगोगे, फिर उसका वीडियो निकालोगे, फिर वो वीडियो फेसबुक पे डालोगे, 7 लोगों को टैग करोगे, सी दिस इज माय नॉट सी दिस इज माय हग, आई चैलेंज यू फॉर द संडास चैलेंज, आई नो यू कैन डू मच बिगर हग देन दिस। बंद करो चैलेंज चैलेंज। हमने 5 रुपए की डेरी मिल्क से ज्यादा कुछ खाया, उसको चाहिए थी फेरेरो रॉशर। फेरेरो रॉशर। हाँ वही, देख जिसका नाम हम ढंग से नहीं बोल पा रहे वैंचू, उसको वो खानी है। इसीलिए हॉकलेट खाओ मत, पहनो। कोई कपड़े नहीं है, क्या पहनूंगी? कुछ भी नहीं है, क्या पहनूंगी? गरीब हो गए, घर पैदा हो गए, 2 जोड़ी कपड़े नहीं है। आज कौन सी वाली पहनूं? रब दिखता है यार। लवड़ा लसन मेरा, तोतले की तरह बोलना जरूरी है वैंचू। मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई नहीं है मेरी लाइफ में। मैं हूँ ना तेरे लिए, तू क्यों इतना टेंशन करती है? मैं हूँ ना। नहीं मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं कितनी अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे लिए। तो फिर मैं क्या हूँ? तू है, पर तू फ्रेंड है। बहन की लोमड़ी ये गन है और तू डेड है। तुम्हारी माँ की आँखें। लवड़ा लसन मेरा, तोतले की तरह बोलना जरूरी है वेंचू। आई लव यू ना बेबी, आज मिलते हैं ना सोना। सोना नहीं आज भाई, पूरी रात पढ़ना है, सोएंगे नहीं आज। चंदा है तो क्या हुआ? मैंने एक लड़की को रोज दिया, गुड स्टैमिना। गुलाब गुलाब। हर्ष एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, से कैसे इंस्टॉल करूं? पहले सेटअप पे क्लिक कर। सेटअप पे कर दिया क्लिक। अब नेक्स्ट कर। नेक्स्ट। तो अब ऊपर देख क्या है? ऊपर पंखा है। हेलो बेटा कैसे हो? अंकल आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? अंकल आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? बेटा मैंने पूछा तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? अंकल आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? अंकल आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? अंकल आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? रिजल्ट लेंगे। चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? रिजल्ट लेंगे। अंकल मुंह में लेंगे। अच्छा बेटा, मिसेस वर्मा आलू चाट की दुकान खोलने का सोच रही है, तो उसका टैग लाइन पूछ रही थी, जो दुकान के बोर्ड के बाहर लगा होता है ना वो, तो थोड़ा सोच के बता, मैं बाद में बताता हूँ। अरे बनछोड़दास तू ही बता दे बेटा, अंकल अभी नहीं। अरे बता ना, मिसेस वर्मा की चाट लो। ठीक है चाट के आता हूं। प्यास बुझ गई। सबकी अकाउंट में एक ऐसी लड़की रहती है जो एक घटिया सा फोटो डालेगी और उस पर कैप्शन लिखेगी रैंडम्स। ये फोटो रैंडम नहीं रहते, पहले तो ये 5000 फोटो खींचती है और ये 5000 फोटो उसको छाटती है। छाटने का जो प्रोसेस होता है ना कुछ ऐसा होता है, इस फोटो में गंदी लग रही, इस फोटो में अच्छी नहीं लग रही, इस फोटो में काली लग रही, इस फोटो में कुतिया लग रही, बचते हैं 1000 फोटो। ये 1000 फोटो सारे व्हाट्सएप पे दोस्तों को भेजे जाते हैं जिनका दिमाग चाट चाट के ये पूछा जाता है कि फोटो कैसा लग रहा है, ये फोटो में ज्यादा बाहर तो नहीं, ये फोटो में ज्यादा दबेला तो नहीं। ये पब्लिक ओपिनियन से 15 स्पेशल फोटोज बाहर आते हैं जो पब्लिक ओपिनियन पे बेस्ड होते ही नहीं है। ये वही 15 फोटोज होते हैं जो उसको खुद पसंद आए थे। पब्लिक ओपिनियन जाए गधे की गां। अब जो ये 15 फोटोज बचते हैं ना, बाय गॉड की कसम दुनिया में इतने बच्चे जुड़वा नहीं होंगे जितने 15 के 15 फोटो जुड़वा होते।
अब बचे स्पेशल 15 फोटोज, लास्ट स्पेशल फिल्ट्रेशन प्रोसेस जाते हैं। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का नाम है बॉयफ्रेंड। उस गरीब इंसान को ये फोटोज भेजे जाते हैं और उसे पूछा जाता है कि 15 में से कौन सा एक फोटो है जो मैं फेसबुक पे अपलोड करूं। उस गरीब इंसान को सर से लेकर लंग तक माइग्रेन हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि कौन सा फोटो अच्छा है। इस लास्ट प्रोसेस में उस गरीब बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है और वो 15 में से एक फोटो सिलेक्ट होकर बाहर आता है जो उसे हमेशा से डालना था, और वो फेसबुक पे अपलोड करके लिखती है रैंडम्स। क्या है? अरे सेब है, खिलौना है, देख के लाना चाहिए ना। कान के दुश्मन है एक कैंटीन वाले, उस दिन मेरे सैंडविच में से कंचा निकला। अरे मैं वो गलती से निगल जाता तो पता है क्या होता, 3 बॉल्स हो जाती, ऑपरेशन कराना पड़ता। क्या बोल रहा है, स्कूल में ये ले आए। ये क्या है? ये बड़े खेलते हैं इससे बिस्तर में, लूडो। लोडू है। हाय। ये साल भी खत्म ये साल भी खत्म होने को आ गया। कितनी जल्दी निकल गया यार, सिर्फ 7 दिन बचे हैं। हम जो भी हम जो भी मांगेंगे। आप हमेशा इस टाइम पे क्यों आते हो बहन? हम जो भी मांगेंगे ये हमको दे देंगे। सेंटा कैसे हो? हेलो सेंटा। टाइम आने पे बन जाएगी, चिल मार। आप हमेशा इस टाइम। ओ रहने दो ये कुछ भी बोलता है, सच हो जाएगा। लॉयल गर्लफ्रेंड। टिकाऊ, तुम कितने सेल्फिश हो। चुप, चिल और मुठ। चिल और मुठी मत। मौशीची गांड। कसली पंचात रे तुला। कडक नाही एकदा सांगितलेलं। डियर मम्मी, ये लेटर मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको ये लेटर दिख के बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, पर क्या करूँ, आपको एक दिन बताना ही था। मुझे मेरी लड़की मिल गई है मम्मी, और मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, और ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ उसके लिए। हाँ, शायद सब कुछ छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। कुछ यादें है मेरी यहाँ पे और वो हमेशा रहेगी, पर आप एक बात हमेशा याद रखना मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। एक्चुअली अभी जो आपने सब पढ़ा ना वो झूठ है, मैं बाजू वाले पड़ोस के घर पे ही हूँ। वो रिजल्ट आया है, टेबल पे रखा है। रिजल्ट देखने के बाद अगर दिमाग ठंडा हो जाए ना, मेरे को कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ओके यार, ये जो लड़कियां करती रहती है गुड हेड है, क्या मतलब? क्या हमारे बाल, क्या हम फकीर है जो हमारे बालों से क्या कुछ गटर की बदबू आती है क्या? गुड हेड है क्या? और ये साला वेकिंग अप टू गुड हेयर क्या है? हम उठते क्या गंजे उठते? हम सुबह को उठते रात तक बाल आ जाते, मतलब क्या चूतिया पे की हदें पार करते जाओगे तुम? सुनो, अबे रुकना, क्या जल्दी है तेरे को? तूने कुत्ते की टट्टी पे पैर रख दिया। जानती हो, और ये भी कि मेरे बुरे वक्त में तुम थे मेरे साथ। इसमें मेरी क्या गलती? कुत्ता हक के गया, मैं थोड़ी हक के गया हूँ। वैसे भी मैं इतना छोटा नहीं आता हूँ। ओए, न्यू ईयर शुरू होने वाला है। चुपे 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 चुपे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर।